धर्मेंद्र प्रधान जी, मान्य सदस्य, एक सुखद संयोग, आप भी पहली बार बोल रहे हैं और मैं भी पहली बार आज अध्यक्षता कर रहा हूं। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने मौका दिया। सरकार ने दो भी आईआईटी संशोधन प्रस्ताव और एनआईटी संशोधन प्रस्ताव सदन के पटल पे लोकसभा के पारित करके यहां लाया है। ये भी एक सुखद संयोग है, जिस प्रांत से अध्यक्ष जी मैं आता हूं और जिस प्रांत का भी इस उच्च सदन में प्रतिनिधित्व करता हूं, उस दोनों राज्यों को इस जो 8 आईआईटी जिसके बारे में मंत्री जी ने उल्लेख किया, भुवनेश्वर और पटना, मैं उड़ीसा से आता हूं, मेरी मातृभूमि उड़ीसा है और भुवनेश्वर में आईआईटी हुई है, और पटना से मैं आजकल बिहार से प्रतिनिधित्व करता हूं और पटना में भी आईआईटी बन रहा है। पटना में दोनों राज्यों में उस 8 आईआईटियों को मान्यता मिलेगी। इस बिल को मैं उस दृष्टि से समर्थन करता हूं। ये बिल आज पारित होने के बाद एक रूप लेगा और एक पुराना आईआईटी बनने वाला है, उस 8 राज्यों में 8 केंद्र स्थापित होगा। जैसे मैं हमारे वरिष्ठ सदस्य एनके सिंह जी के बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि आपने जो चालू 5 वर्षीय 5 ईयर्स प्लान में जो बजट की व्यवस्था किया है, यह पर्याप्त नहीं है। आप एक जो सपना दिखाए वो 7 राज्यों में, अध्यक्ष जी, बिहार और उड़ीसा जैसे प्रांतों में मेधा की कोई कमी नहीं है। देश जानता है कि सुपर 30 के नाम पे गरीब विद्यार्थी, बिहार के गरीब विद्यार्थी अपने बौद्धिक क्षमता की ऊंचाई आज स्थापित किए हैं। 30 की 30 गरीब विद्यार्थी आईआईटी पहुंचते हैं एंट्रेंस के माध्यम में। कोई साधारण व्यक्ति, आनंद जी करके कोई एक सामान्य व्यक्ति, वहां एक इंस्टीट्यूट चलाते हुए आज एक कीर्ति स्थापित किया है। ऐसे सारे प्रांतों में जब आईआईटी जाएगी, सिर्फ एक आईआईटी की ढांचा हमें नहीं चाहिए, पूर्ण आईआईटी चाहिए, जल्दी ही चाहिए। सदन इस विषय पे इस बिल की जो दूसरी पार्ट है, बीएचयू के मूल चरित्र को परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, इस देश के एक बड़े विद्वान जो आज हम सभी के प्रेरणा के केंद्र है, माननीय करण सिंह जी इस उच्च संस्था के चांसलर के नाते हैं, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। चर्चे पहले से भी जब भी हम करण सिंह जी को सुनते हैं, डॉक्टर करण सिंह जी को सुनते हैं, प्रभावित तो होते हैं, आज भी प्रभावित हुए। लेकिन सरकार की कुंठा किस बात की है, किस दोनों में सरकार की सुलझन में है कि अगर उस संस्था की सारे विषय पर सहमति है, कई सारे बारीकियों में कुछ चीजों को ध्यान देने लायक है, क्या आपत्ति है सरकार को, किस युद्ध में सरकार अटकी हुई है अगर बीएचयू की वाइस चांसलर पूरा 3 साल की कि एक विशेष प्रोविजन करके, एक विशेष प्रबंधन करके बीएचयू के वाइस चांसलर जो रहेंगे वो क्यों ना आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर भी रहेंगे। आपको क्यों इसमें जिद है, क्यों आपको उसमें आपत्ति है सरकार की, क्यों सरकार उस पर प्रतिष्ठा का इशू बना रही है? एक विशेष प्रोविजन उसको भी किया जा सकता है, बीएचयू की चरित्र भी बरकरार रहेगी। मैं पूछना चाहूंगा मंत्री जी को, क्या उनकी मन में कोई कल्पना है, कभी वो सोच सकते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मेरे पार्टी के नेता चंदन दास ने उसको संकेत भी किया, बीएचयू और एएमयू दोनों अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी के अनुष्ठान है। इस देश की शिक्षा आंदोलन की, संस्कृति की शिक्षा आंदोलन के अनन्य जननेता मदन मोहन मालवीय जी ने उसको स्थापित किया था। क्या सरकार एएमयू के कोई कॉलेज को कोई छूने का हिम्मत है उनकी, तो अब ये चूने क्यों कर रहे हैं? आप अपने माननीय मंत्री जी की लोकसभा की वक्तव्य को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हजारों यूनिवर्सिटी चाहिए, 16 आईआईटी से पर्याप्त नहीं है, और आईआईटी चाहिए। आप बनारस बीएचयू आईआईटी को मान्यता दीजिए, आप बनारस में और एक आईआईटी बनाते हैं। आप ऐसे सारे विषयों पर, अब डॉक्टर करण सिंह जी को क्या कहा जाए, इतने बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा डराया कि 2 साल से विद्यार्थी को सर्टिफिकेट नहीं मिला। मेरे जैसे राज्यों में तो 4-4 साल से विद्यार्थी अपेक्षा किए हैं कि भाई हमारा आईआईटी पूर्णांग हो जाए। आप जैसे देश की उच्च शिक्षा के, संस्कृति की, सभ्यता के संरक्षक, और अनुष्ठान हो और इंस्टीट्यूट हो अच्छा रहता। सरकार, मेरे सुझाव है, मेरे पार्टी की ओर से मेरे नेता ने चंदन मित्रा जी ने जो अमेंडमेंट दिया है, सरकार उसको ग्रहण करे, वो अच्छा रहेगा और सबके पक्ष में रहेगा और अच्छा रहेगा। और एक अलग इंस्टीट्यूट अगर किया जाए और उस विषय, उस बीएचयू के मूल चरित्र को छेड़छाड़ ना करते हुए, और आज भी उस आईआईटी की जो ब्रांड है, आईआईटी की जो मान्यता, इसमें किसी की कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। बीएचयू का आईआईटी भी एक अलग रहे, लेकिन उसकी समाधान के नाते वाइस चांसलर स्थायी रूप में बीएचयू आईआईटी की
डायरेक्टर विधायक यह सरकार उस जीत पर बाकी संबंधित जो संशोधन है उसको मान लेना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं और एक विषय है जो बिल आज स्थापित हुए उसमें भी मेरे प्रदेश का एक नाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए के शासन काल में जब यह कल्पना आई थी उन दिनों में हायर एचआरडी मिनिस्ट्री में नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु की तर्जी पर देश भर में और कुछ वैज्ञानिक उच्च अनुसंधान के संस्था खोला जाए, भुवनेश्वर भी एक केंद्र चयन किया गया था, घोषणा भी हुई थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी उन दिनों में एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने घोषणा भी किया था। यूपीए वन के बारे में, यूपीए की सरकार के बारे में अपना जब मंत्री जी ने उल्लेख किया, यूपीए वन आने के बाद उड़ीसा जैसे प्रांतों के साथ पहला समझौता किया, उसको उठा के कलकत्ता ले गया। अच्छा है, कलकत्ता ने भी इंस्टीट्यूट करवा दिया, भुवनेश्वर को भी जोड़िए उसके साथ। मेरे राज्य में सूर्य मंदिर है, वैज्ञानिकों की स्थान है। अध्यक्ष जी, जब सूरज पहला उगता है कोणार्क मंदिर में जाकर पहुंचते सूर्य देवता के पैर के नीचे। मेरे इतिहास में, मेरे सभ्यता में इतने वैज्ञानिक थे कि सदियों पहले ऐसा एक कृति उन्होंने खड़ा किया था। अच्छा रहेगा, आज यूपीए सरकार को हम भी प्रशंसा करेंगे, मंत्री जी का वाहवाही करेंगे, अगर वो संस्था जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा था उसको वहां भी लगा दें। और एक बात इनकी सरकार के बारे में हम कहें, ये बातें तो बड़े बड़े करते हैं, एक हिंदी में कहावत है कि बोलबोलों की सरकार है, काम ज्यादा नहीं करते हैं। अगर उनकी प्रतिबद्धता उच्च शिक्षा के प्रति, मौलिक अनुसंधान के प्रति दिखता तो ये एनआईटी व्हील, एनआईटी तो उन दिनों में एक व्हील, एक अलग ढांचा इसीलिए आया था, जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस था उसको एक जातीय मान्यता देने के लिए संस्था किया गया था। आप साइंस को, विज्ञान के अनुसंधान को उसके साथ क्यों जोड़ रहे हो? आपकी ये जो कल्पना है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च की, यह अच्छी कल्पना है, यह भी अपने आप में एक ब्रांड हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यह सिर्फ इंजीनियरिंग विभाग की है। आज आवश्यकता है, विज्ञान के बारे में सबने समझो बात किया कि आज फैकल्टी की अभाव है, फैकल्टी कम है। आईआईटी में नेशनल, मेरे मित्र बाल गोपाल जी ने सीपीएम के कहते हुए कहा लगभग 9000 शिक्षक चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, 3000 तक ऐसे खाली है। और फिर मंत्री जी ने लोकसभा में उत्तर देते हुए कहा कि बहुत सारा फैकल्टी की कमी है, कब बढ़ेगी? अगर आप आधे अधूरे मन पे एक लिमिटेड अप्रोच लाओगे तो नहीं होगा। आपके स्लोगन एवं हो सकता है, वैसे तो आप जैसे स्लोगन देने में आपसे माहिर कौन है, विशेष करके आपके स्लोगन सरकार में आप जैसे मंत्री जो सिर्फ स्लोगन पे काम करते हैं उनमें तो कोई तुलना हम नहीं कर सकते। लेकिन काम भी कुछ करिए, कुछ ठोस कदम करिए। आज इस देश में अनुसंधान, रिसर्च, फंडामेंटल काम घट रही है। अगर सरकार इस शताब्दी सदी के प्रारंभ में, दूसरी दशक की शुरुआत में हम बैठ के तय करें संसद में, देश में उच्च शिक्षा में मौलिक अनुसंधान बढ़नी चाहिए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च को अलग संस्था बनाइए। और जो राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने भुवनेश्वर को काटा था उसको जोड़िए। बाकी मोटा मोटी रूप में, और एक विषय चंदन मित्रा जी ने उल्लेख किया, मैं उसको समर्थन करता हूं। आप कहते हो कि लिमिटेड गवर्नेंस होनी चाहिए, शब्द तो आप अच्छे संयोजन कर लेते हो, जैसे कपिल सिब्बल जी को कोई सुने तो मोहित हो जाएगा। और कितना बढ़िया बात है, लिमिटेड गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, अचीव सेक्रेटरी नहीं जाएंगे उसके वो नुमाइंदा रह जाएंगे। और उस इंस्टीट्यूट में जब, जो सिक्किम में जो इंस्टीट्यूट करोगे उसमें भारत सरकार के सचिव जाएंगे, तीन तीन विभाग के, बढ़िया कल्पना है आपको। फिर मेरा मोह होता है आपको कहने के लिए, बातें बनाने का कल्पना आप छोड़ दीजिए। आप थोड़ा देश में बौद्धिक क्षमता रखने वाले तज्ञ लोगों की कोई कमी नहीं है। देश भर में उद्योगों में, विज्ञान में कई सारे बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, उनको आप पार्टिसिपेट कराइए। आप तो ऐसे सरकार है जो कहते हो कि हम भागीदारी में चलाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलाते हैं और एक नेशनल एडवाइजरी कमिटी भी बनाए। आप राजनीतिक उद्देश्य से आपको ढिंढोरा पीटने के लिए एक मंडली को आप नेशनल एडवाइजरी कमिटी बना देंगे, लेकिन आपको ऑटोनोमस एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने के लिए आपको सचिव चाहिए। आपको देश भर में तज्ञ लोग, विज्ञानी लोग नहीं मिलते हैं। इस मोह को छोड़िए, काम करिए। दोनों बिल सिद्धांत रूप में अच्छा है, लेकिन ये बिल लिमिटेड हो जाएगी, आपका प्रस्ताव, आपकी मनसा सीमित हो जाएगी अगर आप इसको एक छोटे मन से दिखोगे। आज लगता है
मैं इस बिल को पहला बिल को समर्थन इसलिए करता हूं, उसकी लाभ हम लेने वाले हैं, उड़ीसा लेने वाला है, बिहार लेने वाला है, भुवनेश्वर होगा, पटना होगा, रोपार होगा, मुंबई होगा, ये सारे इलाके में आईआईटी होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन बीएचयू के बारे में सदन ने जो सुझाव दिया है उसको आप स्वीकार करिए, अमेंडमेंट को विरोधी दल की सुझाव मान के उसको ठुकराइए मत, उसको स्वीकार करिए। और एनआईटी के बिल में अटल जी के जो पुराना सुझाव था भुवनेश्वर उसको जोड़िए, और उसमें आपके जो प्रशासनिक अधिकार बैकडोर से आपको चलाने का मोह है उसको छोड़िए, देश के विद्वान लोगों के हाथ में उसको दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी।